समीना जी के साथ हूँ और मौलाना डॉक्टर जमील राठौर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समीना आप बताइए आज क्या कर रहे हैं हम किचन में? आज हम बना रहे हैं अंडों का अफगानी कोरमा। अंडों का अफगानी कोरमा जी, जो अंडों का अफगानी कोरमा जो बनेगा बॉइल्ड एग से। उसके बाद बनाएंगे हम एग लबालब। एग लबालब जी। अच्छा मैं पील करके दे रहा हूँ उनको। अच्छा, ये वाले जो बनेंगे ये हमारे जो कच्चे अंडे होते हैं उनसे हम बनाएंगे एग लबालब जी। बिल्कुल ओके। और उसके बाद बनाएंगे हम ये आपके मीठे में, ये है। अच्छा, डबल मीठा का भी है? बिल्कुल है, डबल का मीठा। डबल का मीठा एग लबालब जी। मैं हल्फिया कहता हूँ, हमारा वजन बढ़ गया। ये हैदराबादी डिश है। बिल्कुल। अच्छा ये अफगानी डिश है। अच्छा और ये हमारी अपनी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान। अच्छा जी, तो देखिए जी तीन किस्म की डिशेज हैं। एक तो अफगानी डिश है, एक हैदराबादी डिश है और दूसरी एक टिपिकल जो हमारे यहाँ होती है वो वाली डिश है लियाकताबादी डिश। लियाकताबादी, आई गेस लियाकताबादी। सारी डिशेज हमें सहरी में खाने को मिलेंगी। आपने कौन सा बोला? अंडा लबलबा। लबालब। अच्छा सॉरी, अंडा लबलबा मैंने बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। अंडा लबालब, अंडा लबालब एंड देन अफगानी कोरमा, अफगानी अंडे का कोरमा। पाकिस्तानी कुछ है? हाँ पाकिस्तानी है ना, सब पाकिस्तानी डिश। सब पाकिस्तानी है। नहीं, अफगानी एक हैदराबादी, हैदराबाद से मुराद हैदराबाद दिक्कन। नहीं, पाकिस्तान का हैदराबाद। अच्छा हाँ, पाकिस्तान का हैदराबाद, हैदराबाद दक्कन नहीं है। नहीं नहीं, हैदराबादी जो हम नॉर्मल हैदराबादी हैं यहाँ के, जो उनकी डिश है। अच्छा अच्छा, मैं वाकई वो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं समझा कि हैदराबाद दक्कन। नहीं नहीं, हैदराबादी डिश जो होती है, जो यहाँ के हैदराबादी लोग। आप मुझे काम पे रख लें, देखें मैं अंडे कैसे छीले। बहुत अच्छी छीले। हाँ सीरियसली, मतलब लाइक यू कैन। आपने मेरे काम कम कर दिया। काम कम कर दिया ना मैंने। अच्छा बताइए कैसे बनता, कैसे जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए ये मैंने पहले जो है इसका अफगानी कोरमे के लिए मैंने मसाला तैयार किया। मसाले में मैंने प्याज पीसी। यहाँ आ जाइए। हाँ जी। हाँ अब बताइए। लेकिन प्याज को हमने पहले हल्का सा ब्राउन कर दिया था। हाँ। उसी के अंदर हमने टमाटर डाल के उसको भी हमने पकाया है। ओके। उसके साथ हरी मिर्च भी साथ ही डाल दी थी और साबुत लहसुन डाले था और साबुत अदरक का पीस। ओके। वो सब हमने फ्राई किया ऑयल में। ऑयल में फ्राई करने के बाद हमने उसको ग्राइंड कर लिया। ओके। ग्राइंड करने के बाद वो सारे मसाले हमने इसमें पतीले में डाल दिए। ओके। जो ड्राई मसाले हैं उनमें ये कुटी मिर्च है, जीरा है, गर्म मसाला है, पिसा हुआ जीरा है। ये तमाम चीज़ें जो है अभी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा दही डालेंगे। ओके। दही डालने के बाद इसका मसाला। अच्छा, कितनी देर में बन जाएगा सब? 20-30 मिनट्स के अंदर बन जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास कुछ वो भी होंगे ना, नान वगैरह? बिल्कुल होंगे ना। डन डन डन। मैं अंडा लबालब का इंतजार कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, इसमें जो हम एग डालेंगे वो हम तोड़ के एग डालेंगे। ओके। लेकिन हम उसको मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। वो राउंड राउंड में एग्स आपके आएंगे डिश के अंदर। वाह जबरदस्त। मसाले के साथ होंगे वो, बिल्कुल ना जबरदस्त। वो ऑमलेट की तरह मिक्स नहीं होगा। ऑमलेट की तरह मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। तो अंडा लबालब है और अफगानी अंडे का कोरमा है और अंडे का अफगानी कोरमा है और यहाँ पर ये स्वीट डिश में क्या है? ये डबल का मीठा। डबल का मीठा, आई डोंट नो डबल का मीठा क्या होता है। ट्रिपल का मीठा भी होता है क्या कोई? डबल का मीठा ये डबल रोटी से बनता है, इसलिए इसको डबल का मीठा कहते हैं। डबल रोटी से जी। और इसमें दूध और खोए का इस्तेमाल होता है। ये तमाम चीजें मौजूद है और क्रीम भी होती है। थैंक यू सो मच समीना, बहुत बहुत शुक्रिया।